उस डेफिनेशन से चलिए। सो फर्स्ट, सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स पहला पक एडजॉइंट फाइंड आउट कीता सी, और एक किदे उत्ते आ ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस सो दिस इज ए ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। सो पहले मैं थोड़ा जा रिवाइज करन जा रहा हूं जो आप कल किया सी। सब नंबर वन एच साढ़े को हिल्बर्ट स्पेस है पहली गल, ठीक है। सो कल वाली थ्योरम नो असी अप्लाई करांगे। लेट टी असी ले लिया बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एच, उत्ते एन सी, इत्थे एच दे उत्ते वही चीज एच दे उत्ते चल गई। सो ऑपरेटर मीन्स बाउंडेड एज वेल एज साडे को, और एच स्टार उत्ते एन स्टार सी, इत्थे बन गया एच स्टार विच इज दे ड्यूअल स्पेस ऑफ एच, और इट इज ए हिल्बर्ट स्पेस। जी ड्यूअल स्पेस भी हिल्बर्ट स्पेस होंगी, कंप्लीट भी होंगी, एंड इट इज ए हिल्बर्ट स्पेस। तो फिर असी जेड़ा कंजुगेट है वो कंजुगेट एच स्टार के उत्ते डिफाइन किया सी टी स्टार एंड ऑपरेटर। सो एन ऑपरेटर टी स्टार विच इज डिफाइंड ऑन एच स्टार, इहदा ध्यान रखना। सो विच इज डिफाइंड ऑन एच स्टार, और ए ऑपरेटर किदां दा हुंदा सी? ए ऑपरेटर हुंदा सी टी स्टार एफ ते ऑपरेट करदा, ठीक, और ए किहदे बराबर हो जांदा सी? एफ ऑफ टी दे बराबर हो जाता सी। और जदों असी इनू एलीमेंट ते ऑपरेट किया, सो दिस इज एक्स और एफ ऑफ टी एक्स इधर आ गया। सो कोई फर्क नहीं, एक्स जेड़ा साडे कोल आ गया। सो इट इज फॉर एवरी दिस एफ बिलोंग्स टू एच स्टार, फंक्शनल बाउंडेड फंक्शनल हो गया एच स्टार नू। और इहदे नाल ही याद रखना कि एच जेड़ा है इट बिलोंग्स टू एच, यानी एच हिल्बर्ट स्पेस का साढ़े को आ गया। एक चीज ये असी थ्योरम उत्ते प्रूव की सी, वही थ्योरम नू मैं इत्थे रिवाइज कर हूँ। आ जी इस तो अगे, इस तो अगे आप कह रहे सी कि टी तो टी स्टार दे विच जेड़ी मैपिंग है, सो टी तो टी स्टार, टी स्टार राइट, टी किदा एलिमेंट है बाउंडेड ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस का, और टी स्टार एलिमेंट किदा है साडे कोल बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एच स्टार का हिल्बर्ट स्पेस का, और ए मैपिंग किदा दी हो जाती सी? आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मॉर्फिज्म ये भी असी किया सी, और नाम हो जाता सी विच प्रिजर्व आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नू है प्रिजर्व करता, ठीक है जी। पिछले सेमेस्टर दे विच असी पढ़िया सीगा कि जिहड़ी साडे कोल एच हिल्बर्ट स्पेस है, एच इज ए हिल्बर्ट स्पेस, और ए हिल्बर्ट स्पेस किदां दी हुंदी आ? रिफ्लेक्सिव हुंदी आ, रिफ्लेक्सिव लास्ट जे च, और रिफ्लेक्सिव दा मतलब की हुंदा? एच ते एच दा डबल स्टार ए बराबर आ जांदे आ, बराबर दा मतलब इक्वल हो जांदे आ। सो बेसिकली ए साडे कोल नेचुरल एम्बेडिंग चो भी, सो जे एच ते एच डबल स्टार सेम हो गए तो इन
नेचुरल इम्बेडिंग, इम्बेडिंग वो किधर तो हिंदी शुरू टी तो टी डबल स्टार, तो नेचुरली टी ते टी डबल स्टार भी बराबर हो जाएंगे। ये तो प्रूफ असी अलग तो भी करा गए। सो फिलहाल आप इतने इस चीज को याद रख, ये मैं रिवीजन कराई जिड़ी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जस्ट रिवाइज किया इन द टर्म ऑफ हिलबर्ट स्पेस। हुण जिहड़े आपां ऑपरेटर डिस्कस करने हैं, सो फर्स्ट ऑपरेटर है एडजॉइंट। एडजॉइंट दी जिहड़ी साडे कोल थ्योरम बन जाती है, सो फर्स्ट थ्योरम, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज स्टेटमेंट, मन लो लेट टी बी ए ऑपरेटर ऑन ए हिलबर्ट स्पेस। टी बी ए ऑपरेटर ऑन ए हिलबर्ट स्पेस एच पहली। सो टी साडे कोल ऑपरेटर ऑन ए हिलबर्ट स्पेस, देन सानू पता है देयर एग्जिस्ट टी स्टार है ना, और ये जिहड़ा साडे कोल टी स्टार आ ये यूनिक होना, वैसे आप हजे प्रूव नहीं किया वो भी करांगे। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक ऑपरेटर, ऑपरेटर टी स्टार, ठीक है जी, और एक ऑपरेटर किहदे उत्ते आ ए वी एच दे उत्ते आ, ऑपरेटर ऑन एच, सच दैट, याद रखना, सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी स्टार वाई। तो असी ये साडे कोल यूनीक ऑपरेटर टी स्टार एग्जिस्ट करेगा जिहड़ी कि इस कंडीशन नू सैटिस्फाई करे। पहला इन समझ, दूजी गल जिहड़ा इस ऑपरेटर इस कंडीशन नू सैटिस्फाई करदा उन्हों असी एडजॉइंट कहने हैं, मतलब टी स्टार टी का एडजॉइंट बन गया। सो अगर इस कंडीशन नू सैटिस्फाई करदा तो एडजॉइंट ऑपरेटर बन गया, तो टी स्टार जिहड़ा साडे कोल है दिस इस कंडीशन नू जिहड़ा सैटिस्फाई करदा इहदे विच व्हाट इज टी स्टार, सो टी स्टार इज एडजॉइंट ऑफ टी, तो साडे कोल ओहदा एडजॉइंट बन गया। ये डेफिनेशन हो गई, एडजॉइंट बन गया। तो मैं इस चीज का जिहड़ा प्रूफ कर, सो बहुत ध्यान नाल समझियो, बेसिकली इस इनर प्रोडक्ट को मैं प्रूव करना, और जिहड़ी आ थ्योरम आपां कीती है बार बार इन्हें यूज करना, टी स्टार की डेफिनेशन आ, एक तुसी इस थ्योरम नू याद रखना कि जिहड़ा टी स्टार तुहाडे कोल डिफाइंड होया वो डिफाइंड की वैल्यू की है दिस इहदे बराबर, सो इहनू असी यूज कर, ठीक है जी। सो दिस फंक्शन नू आपां इहदी वैल्यूज नू यूज करांगे। नाउ सानू पता असी कंसेप्ट जिहड़ा केड़ा यूज करना, इथों साडे कोल फर्स्ट एच हिलबर्ट स्पेस लवांगे, सो दिस एच हिलबर्ट स्पेस, उस तो बाद आपां एच स्टार ते चलांगे, एच स्टार ते चलांगे, और फिर एच स्टार ते चलांगे, एच स्टार तो बाद फिर आपां एच दे उत्ते आ जांगे। असी इन्हां मैपिंग्स नू यूज करांगे। सो साडे कोल फर्स्ट एच दा एलीमेंट किदां दा होएगा, वाई वर्गा, वाई तो एच स्टार च गए, एच स्टार दा एलीमेंट किदां दा होएगा, एफ वाई वर्गा, क्योंकि एच स्टार कौन होने, फंक्शनल होंगे, तो फंक्शनल हो गए। और एफ वाई तो जिहड़ी साडे कोल मैपिंग है, सो दिस इज ए टी स्टार है ना, तो टी स्टार नाल इहदा जदों इमेज लवांगे,
वो इतने चल जाएगा, सो ओ हो जाएगा एफ जेड। सो व्हाट इज एफ जेड? एफ जेड इज टी स्टार एफ ऑफ वाई, वो द इमेज हो गया। और इस तो बाद असी अगले स्टेप च कितने चलांगे, एच दे विच एच दा एलिमेंट साडे कोल जेड। सो इस ज्योमेट्री नू समझ लो, सो पूरी दी पूरी थ्योरम इस ज्योमेट्री दे विच आ। सो वाई एच दे विच लिया असी, एच तो स्टार्ट कीता एच स्टार च, एच स्टार तो फिर एच स्टार च, और एच स्टार तो एच च, और जड़ी एच स्टार तो एच स्टार च मैपिंग है, सो दिस मैपिंग इज कॉल्ड ए टी स्टार। सो रिमेंबर दैट। सो इनू अगर असी ज्योमेट्री नू समझ गए हैं, तो बेसिकली असी की कीता है, असी लिया लेट वाई इज एलिमेंट बिलोंग्स टू एच। एच की है हिलबर्ट स्पेस। अगर हिलबर्ट स्पेस है तो सानू पता कि हरेक वैक्टर के लिए कोरस्पोंडिंग फंक्शनल होंगे, ठीक है। सो देयर बाय राइज रिप्रेजेंटेशन का जरा कन्वर्स होंगे। सो देयर एग्जिस्ट हरेक वाई लिए एक एफ वाई होंगे है, और एफ वाई किनू बिलोंग करता, एच स्टार नू, सच दैट दिस एच स्टार यानी कि वाई जड़ा है वो किधर ते चला गया, वाई जड़ा एलिमेंट है वो एफ वाई नाल एसोसिएट हो गया। फिर असी डिफाइन करना, एफ वाई तो अगे चलांगे, असी डिफाइन करांगे टी स्टार ऑपरेटर, वो तुहाडे सामने पिया। सो दीस टी स्टार इज ऑपरेटर किदे उत्ते जी, ऑन एच स्टार। सो दिस इज ऑपरेटर ऑन एच स्टार, तो इनू कितना ऑपरेट करूंगा, टी स्टार एफ वाई ये किदे ते जाएगा, ये जाएगा एफ जेड दे उत्ते, और जेड की आ इट इज सम एलिमेंट बिलोंग्स टू साडे कोल एच, है ना। सो एच दा कोई ना कोई एलिमेंट। अगर मैं इनू इक्वेशन नंबर 1 रख लिया, और आ जड़ी मैप है वाई तो एफ वाई, ठीक है। सो एफ वाई टी स्टार साढ़े कोल किदे बराबर आ गई, साढ़े कोल एफ जेड दे, एफ जेड साढ़े कोल कितने चल गया जेड दे। इनू मान लिया मैं इक्वेशन नंबर 2 मान, और इनू मान लिया मैं इक्वेशन नंबर 3 दिस वैल्यू सा। नाउ एफ जेड अगे वो साढ़े कोल किहदे ते जाना, अगे जाना साढ़े कोल जेड दे उत्ते। सो असी इहदे अकॉर्डिंग इनू लिखते हैं, और जो लिख लिया सो अंडर नेचुरल कोरस्पोंडेंस बिटवीन एच एंड एच स्टार असी किहदे ते पुज गए, जेड ते पुज गए। मतलब वाई जेड़ा है असी एच चो लिया, सो इट साढ़े कोल रीच टू एफ वाई, और एफ वाई ते चला गया, और एफ वाई हुण इत्थे इहदा इमेज लवांगे टी स्टार नाल, टी स्टार एफ वाई, और ए किहदे बराबर आ गया, सो दिस इज इक्वल टू एफ जेड। सो अगली मैपिंग साडे कोल आ गई जिहड़ी जेड ते चल गई। सो साडे कोल ए जिहड़ी वैल्यूज असी फाइंड आउट कर लईआं, इहदे तों साडे कोल इस फॉर्म च, इहदे विच जिहड़ी दिस मैपिंग है दिस इज फ्रॉम एच टू एच स्टार, रिमेंबर दैट। एक मैपिंग आ गई, और दूजी मैपिंग एच स्टार तो फिर एच स्टार आ गई, क्योंकि दोनों च फंक्शनल आ, और तीजी मैपिंग एच स्टार तो एच च चली गई। तो असं इन्ह सारिया मैपिंग्स का जोड़ा प्रोडक्ट करता वो बाद चुका, ठीक है जी। सो असी सब तो पहला इनू इस ढंग के नाल डिफाइन कर। हुण आपां अपने क्वेश्चन ते आ जाइए, क्वेश्चन ते जदों आ गए तो जिहड़ी टी स्टार मैपिंग है उस फार्मूले दे मुताबक की हुंदा, टी स्टार एफ वाई, देखो एफ दी जगह ते मैं एफ वाई लै लिया, और ए ऑपरेट कीता एक्स दे उत्ते, तो तुहानूं पता बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर दिस इज एफ टी ऑफ एक्स दे बराबर आ गया। सो इहनूं मैं कोई इक्वेशन का नाम दे लिया, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्लियर। ये असी हुणे करके हटे हैं,
और टी स्टार की है, दिस टी स्टार बेसिकली की है, इट इज ए कंजुगेट ऑपरेटर, कंजुगेट ऑपरेटर ऑफ टी है, इट इज ए कंजुगेट ऑपरेटर ऑफ टी। ठीक है, सो सिंपल कुछ नहीं, इधर विच कोई नवी चीज नहीं है। सो जेडी डेफिनेशन अपना यूज करते सी वो दे विच एफ दी जगह पे असी एफ वाई लिखता, जे एफ वाई लिखता तो सानू पता कि राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम दे मुताबिक देयर इज कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन वाई एंड एफ वाई। तो राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम नू यूज करन लगा मैं। सो राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम्स, राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की होंगी सी कि अगर कोई फंक्शनल एफ वाई एच स्टार दे विच है तो कोई ना कोई यूनीक वैक्टर एग्जिस्ट करेगा और वो यूनीक वैक्टर किदे बराबर हो जाएगा, उन असी लिखी दा एफ वाई जेड विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट वाई कॉमा जेड। सो ये साडे कोल राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम सी। ठीक है जी, जो राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम आ उस थ्योरम नो मेनू इत्थे जरूरत की दी है टी एक्स दे नाल, तो जेड तो मैं वैसे लिख लिया, अगर टी एक्स नाल लोड आ तो मैं जेड नाल क्यों ला रहा, मैं इनू खत्म करता और जिहड़ी मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है एफ वाई टी एक्स दिस वैल्यूज, सो दिस इज ए इनर प्रोडक्ट वाई कॉमा टी एक्स दिस वैल्यूज आ गया, तो मैं इनू इस ढंग नाल जेड़ा वो प्रेफर कर लिया वाई। अच्छा नहीं, उल्ट मैं लिख गया टी एक्स पहला ना साढ़े को जेड़ा वाई पैर च वैक्टर होंदा वो नंबर दो ते होंदा, सो दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, सो विच इज ए इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा वाई। लो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जनरेट हो गया, इनू मैं इक्वेशन नंबर सिक्स लिख लिया क्योंकि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड जनरेट हो गई इक्वेशन नंबर पांच दे विच। तो मैं जेडी दूसरी वैल्यूज फाइंड आउट कर, एक वैल्यू मैं फाइंड आउट कर, दूसरी मेरे को वैल्यू क्या है टी स्टार एफ वाई ऑफ एक्स, यही है ना वैल्यूज। सो दिस कैन बी रिटन एज टी स्टार एफ वाई दी वैल्यूज तुहानू पता कि बराबर है एफ जेड दे, एफ जेड ऑफ एक्स आ गए, और दिस कैन बी रिटन एज इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जेड, सो बाय राइज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। लो जी ये भी साडा रिजल्ट हो गया। ठीक ना, हुण जेड दी जगह ते अगर टी स्टार एक्स आ जाए, सो दिस इज एफ जेड, एफ जेड एक्स है, तो एक्स साडे कोल एक्स कॉमा जेड आ गया। अगर जेड दी जगह ते मैं टी स्टार वाई कन्वर्ट करदा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नाउ इन दैट केस वी नो दैट आल्सो, वी नो दैट टी स्टार एफ वाई, टी स्टार एफ वाई ये किदे बराबर हुंदा, ये हुंदा एफ जेड दे बराबर। टी स्टार एफ वाई आप यूज किया टी स्टार एफ वाई ये साडे कोल इहदे बराबर, और आल्सो वी नो द डेफिनेशन टी स्टार वाई ये किहदे बराबर आ गया जेड दे बराबर आ गया, ये भी डेफिनेशन क्योंकि जिहड़ी मैपिंग लाई वाई तो गए फिर अगे गए फिर अगे गए, तो वाई का जिहड़ा इमेज आ वो जेड ते जा रहा, सो टी स्टार वाई जेड दे बराबर आ, तो उस वैल्यूज नू इहदे विच मैं सबस्टिट्यूट कर दिंदा, तो मेरे कोल इक्वेशन नंबर टी स्टार एफ वाई एक्स ए बनिया एफ जेड एक्स, फिर बनिया इनर प्रोडक्ट
एक्स कॉमा जेड, जेड दी मैं वैल्यू पुट कर देना, जेड दी वैल्यू कितनी है टी स्टार वाई, सो दिस इज एक्स कॉमा टी स्टार वाई दिस वैल्यू, सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 6 ते 8 है ना, ये अपना सब्सटीट्यूट कर देनी येलो पार्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर 5। सो जस्ट राइट सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 6 एंड 8 इन इक्वेशन नंबर 5, देन व्हाट वी गेट, सो वी गेट इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा वाई, सो दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी स्टार वाई, सो दिस इज कॉल्ड ए एडजॉइंट, एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। तो इहदा मतलब साडे कोल टी स्टार, असीं उहदा एडजॉइंट फाइंड आउट कर, ठीक है जी। उस तो बाद अगर असी एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया और नेक्स्ट असी प्रूव करना यूनिक, वो बाद चो करांगे। सो फर्स्ट जेड़ी साडे कोल रिजल्ट है वो मैं प्रूव करता कि जेड़ा साडे कोल एडजॉइंट की डेफिनेशन होंगी है वो ये बराबर होंगी है, मतलब अगर असी कहने हैं टी स्टार इज एडजॉइंट ऑफ टी, देन दिस इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा वाई कैन बी रिटन एज एक्स कॉमा टी स्टार वाई, ठीक है जी। सो इस ढंग के नाल असी इनू जिहड़ा आ एक्सप्रेस कर सकते हैं और ए साडे कोल ए दे विच थ्योरम है। इस तो बाद मैं एग्जाम्पल एक डिस्कस करन जा रहा। सो ये तुहानू चीजा उदम अवेलेबल नहीं होनिया जिहड़िया मैं चीजा लिख रहा एग्जाम्पल्स जिहड़ियां, सो इनू बड़े ध्यान दे नाल देखना, जे नहीं पता लगे तो बाद विच वीडियो लैक्चर भी मैं तुहानू सेंड कर दिया। असी एल टू स्पेस डिस्कस किया, एक बार मैं इहदी डेफिनेशन तुहानू दस दिंदा। एल टू स्पेस, तो एल टू स्पेस दे विच जिहड़े एलीमेंट हुंदे आ वो सीकुएंस फॉर्म च हुंदे आ, दैन एक्स विच इज इक्वल टू एक्स एन, दिस इज ए सीकुएंस फॉर्म, सो दिस इज ए रियल नंबर इन सीकुएंस फॉर्म, तुहानू पता होना चाहिए। और नाल दे नाल इहदे जिहड़े साडे कोल समीशन ऑफ सीरीज आ वो लैस दैन इनफिनिटी हुंदी आ तां कि कन्वर्जेंट हो, है ना। नाल दे नाल साडे कोल एक्स आई जिहड़ी दिस सीरीज है वो लैस दैन इनफिनिटी हुंदी है, सो उस चीज़ का ध्यान रख। तो एलीमेंट साडे कोल सीकुएंस दे फॉर्म च हुंदे नंबर वन, नंबर टू इहदे विच जिहड़ा इनर प्रोडक्ट है वो असी किदा डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं असी इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू समिशन ऑफ एक्स आई, है ना, एक्स आई एक्स की सीक्वेंस हो गई और जड़ा नंबर दो की सीक्वेंस है वाई आई कंजुगेट हो गई एंड आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू लैके इनफिनिटी, ये इनर प्रोडक्ट होता। ये मैं तुम्हें रिवाइज हुण आपां टी स्टार जानी इहदे विच एडजॉइंट दी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तुहाडे कोल क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन की आ कि टी ऑपरेटर एल टू दे उत्ते दित्ता आ फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। सो फर्स्ट डिफाइन ए ऑपरेटर, सो दिस इज डिफाइन टी ऑपरेटर ऑन स्मॉल एल टू, ठीक है जी। और ए डिफाइंड कितना किता एज टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स की है सीक्वेंस आ, तो पहला एलिमेंट जीरो बाकी सारे दे सारे एक्स वन एक्स वन एक्स टू जेड़ी सीक्वेंस है वो कंटिन्यू कर दी जा अप टू दिस। सो ए मैनू ऑपरेटर दिता टी एल टू दे उत्ते और मेरा क्वेश्चन की है फाइंड इट्स एडजॉइंट, मेरा क्वेश्चन है फाइंड टी स्टार ऑन एल टू, इन मैं फाइंड कर, सो इन मैं किस ढंग फाइंड आउट करूं। सानू पता
इनर प्रोडक्ट च या हिलबर्ट स्पेस च जिहड़ी एडजॉइंट की डेफिनेशन है वो क्या है, दैट इज इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी स्टार वाई। आपां टी स्टार वाई लभना और इनू तुसी ऐदा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टी स्टार तुसी पहला भी लिख सकते हैं, मतलब टी स्टार एक्स कॉमा वाई तो इधर आ जाएगा, फिर ये इनू मोहरे रखिया तो यह पिछे चल जाएगा, तो एक्स कॉमा टी वाई। ये तुहाडी आपस की अपनी मर्जी है कि तुसी जिन्हों मर्जी तुसी यूज कर सकते। नाउ एक्स एलीमेंट वो तुहाडे कोल एक सीक्वेंस है एंड दिस सीक्वेंस बिलोंग्स टू एल टू, वाई एलीमेंट ये भी सीक्वेंस है और दिस सीक्वेंस इज बिलोंग्स टू एल टू, दिस वैल्यू इहदे बारे पता ही है। और मैपिंग भी दित्ती है, मैपिंग दे अकॉर्डिंग जदों असीं वाई नाल ऑपरेट कीता तां की हुंदा, फर्स्ट एलीमेंट जीरो, फिर की होना वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड सो ऑन इतने तक चला, क्योंकि मैं दो चीजा चाहिए, एक तो मैं टी एक्स चाहिए टी स्टार एक्स चाहिए वो तो आपको लभना है और दूजा मैं की चाहिए एक्स टी वाई है ना, आ मैनू चाहिए। सो यदा नाम मैं रख लिया एस मान लो। सो इट मीनस साढ़े को आ गया कि जेड़ा साढ़े को टी स्टार एक्स है कॉमा वाई, दिस वैल्यूज आ गए विच इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी वाई। हुण तुहाडे को टी वाई दे भी एलीमेंट पता है, एक्स दे भी पता, एक्स दे भी पता नाल दे नाल टी वाई दे भी पता, तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ला दो की हुंदी है। So this is equal to summation of x i, फिर आया y i, ठीक, एदा हो जाता कंजुगेट क्योंकि दूजे टर्म। हुण फर्स्ट टर्म जीरो पर स्टार्ट वन तो ही हो रहा, जे फर्स्ट टर्म जीरो है दिस वैल्यूज तो जो आप इनर प्रोडक्ट लिया वो तो उही टर्म हो गई, उही वैल्यूज हो गई। सो दिस इज आई जी फस्ट टर्म वो साढ़े को जीरो है, यानी एक्स वन की वैल्यूज जीरो हो गई दिस वैल्यूज, यानी कि अगर असी इनू इदा लिखना हो गए सो बेसिकली ये आ गया फस्ट जीरो इंटू जीरो, अगली टर्म आई एक्स वन इंटू वाई वन कंजुगेट, अगली टर्म आई एक्स टू इंटू वाई टू कंजुगेट, अगली टर्म आई एक्स थ्री into y3 conjugate and so on this values, ठीक है जी। सो इहदे बारे कोई रौला नहीं, y दे विच ते इत्थे की फर्क आ, y दे विच ते इत्थे की फर्क आ, कोई फर्क नहीं उही आ गया। सो दिस t star x ए साडे कोल मैपिंग, असी अगर इहदा नाम रख लईए कोई sx रख लईए, मान लो इहदा नाम असी रख लिया sx कॉमा वाई, तो एस मैपिंग साढ़े को टी स्टार हो गई और एस मैपिंग टी स्टार किदां दी हो गई। सो इत्थे जिहड़ा आपां जिहड़ी मैपिंग है वाई वन वाई टू एंड सो ऑन, तो सैकंड टर्म साढ़े को खत्म हो जाती है। सो दिस एस ऑफ एक्स इहदे तो तुसी फाइंड आउट कर लोगे वो तुहाडे को कितने बराबर आ जाएगी। सो दिस इज ऑफ दिस काइंड एक्स टू एक्स थ्री, क्योंकि पहले जीरो हो जाती है सो ये फॉर्म ये मुताबिक ऑपरेटर चाहिए। सो इन दिस वे जरा असी कोई भी साढ़े क्वेश्चन आ जाए असी उन्हों इस ढंग के नाल फाइंड आउट कर, दीज आर द समॉल सिंपल क्वेश्चन है, तो इनू असी जड़ा है आइडिया देता भी उस प्रॉपर्टी के नाल असी जड़ा इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट किस ढंग नाल कर। Now, उस तो बाद जिहड़ी मेरे को नैक्सट थ्योरम है जिहड़ी साडे को रह गई सी, टी स्टार तो लभ लिया पर टी स्टार बाउंडड भी होना चाहिए पहली गल, दूजा यूनीक भी होना चाहिए, बाउंडड लीनियर ऑपरेटर एंड यूनीक
सो व्हाट इज द स्टेटमेंट लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस एच सर्टिकल है हिल्बर्ट स्पेस सानू पता ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं उस तो बाद टी स्टार सर्टिकल की आ गया इट इज द एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर टी सो नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर टी तो असी प्रूव करना देन प्रूव दैट टी स्टार इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है जी एडजॉइंट की डेफिनेशन तुहानू पता है वो आप गल कर चुके हैं तो बाउंडेड लीनियर डिफरेंश हो गई आलसो आलसो टी स्टार इज यूनिक सो तीन चीजा से प्रूव करनी है वन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड इज बाउंडेड एंड थर्ड इज साडे कोल इट इज ए जड़ा है थर्ड आ गया यूनिक सो फर्स्ट डेफिनेशन क्या एडजॉइंट दी सो एडजॉइंट दी डेफिनेशन है टी एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी स्टार वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच ये एडजॉइंट दी डेफिनेशन है ठीक है जी असी टी स्टार नू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना तो मैं अल्फा बीटा दो स्केलर्स ला लें और वाई वन वाई टू एलिमेंट एच जो दो ले लें तो उसके अकॉर्डिंग एक्स कॉमा टी स्टार एदी जगह से अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू चूज कर दिस वैल्यूज इन मैं चूज कर लिया अगर मैं इन चूज कर लिया सो बाय दिस डेफिनेशन सो दिस वैल्यू विल बिकम टी एक्स कॉमा अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू ठीक है जी सो सानू याद है इनर प्रोडक्ट दिया दो प्रॉपर्टीज लगनिया सम वाली ते स्केलर मल्टीप्लीकेशन नंबर दो वाली सो फर्स्ट द सेकंड इट विल बिकम अल्फा कंजुगेट टी एक्स कॉमा वाई वन पहले नाल दूजा बनी बीटा कंजुगेट टी एक्स कॉमा वाई टू सो साडे कोल ए वैल्यूज असी फाइंड आउट कर दिस वैल्यूज हुण इहदे ते एडजॉइंट दी डेफिनेशन ला दिए सो अल्फा कंजुगेट एक्स टी स्टार वाई वन प्लस बीटा कंजुगेट एक्स टी स्टार वाई टू एडजॉइंट दी डेफिनेशन अल्फा कंजुगेट नू अंदर शिफ्ट कर दिए सो एक्स अल्फा टी स्टार वाई वन प्लस एक्स बीटा टी स्टार वाई टू सम की प्रॉपर्टी ला दी है जी इनर प्रोडक्ट च लगती सम की प्रॉपर्टी के नाल साडे कोल क्या होया सम की प्रॉपर्टी विच इज इक्वल टू एक्स कॉमा अल्फा टी स्टार वाई वन प्लस बीटा टी स्टार वाई टू ये साडे कोल वैल्यूज आ तो मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड नू देखा जे देखा दैन इट इंप्लाइज साडे कोल
टी स्टार ऑफ अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू विच इज इक्वल टू अल्फा टी स्टार वाई वन प्लस बीटा टी स्टार वाई टू। सो ये नाल तुसी की प्रूव करता कि दिस टी स्टार इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये नाल तुसी पहला स्टेप प्रूव करता कि दिस टी स्टार इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये साढ़े को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई एच स्टार के उत्ते। हुण अगली गल आ गई बाउंड, पहली प्रॉपर्टी हो गई। सैकेंड प्रॉपर्टी टू प्रूव दैट बाउंड। नाउ वी नो दैट नॉर्म ऑफ टी स्टार वाई द होल स्केयर उनका तो पॉजिटिव ही है। सो दिस कैन बी रिटन एज इनर प्रोडक्ट टी स्टार वाई कॉमा टी स्टार वाई। सिंपल डेफिनेशन यूज की यूज करती। हुन दिस टी स्टार इधर जाके टी रह गया जा इन इधर जाके टी रह गया। सो एडजॉइंट दी डेफिनेशन के मुताबिक टी टी स्टार वाई कॉमा वाई दिस वैल्यूज रह गया। तो इतने आप किया एडजॉइंट दी डेफिनेशन ला गया। हुण आपां कॉची स्कावर्ज इनक्वालिटी यूज करा। कॉची स्कावर्ज इनक्वालिटी क्या कहती है? एदी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो क्योंकि आ पॉजिटिव नंबर आ। सो एदी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। सो दिस इज लैस दैन इक्वल टू बाय कॉची स्कावर्ज इनक्वालिटी। सो दिस वैल्यू इज नॉर टी टी स्टार वाई into norm of y, so this is by the लिख भी देना कॉची स्कावर्ज इनइक्वालिटी। मैं बोल रहा और तुसी लिख भी देना कि इट इज बाय कॉची स्कावर्ज इनइक्वालिटी। अगर साढ़े को दिस वैल्यूज आ गई हूँ ये नॉर्म की डेफिनेशन आ रही है बाउंडेड ऑपरेटर की। सो वट इट बिकम्स नॉर्म टी पहला आ गया दूजे का कलर चेंज कर देना नॉर्म ऑफ टी स्टार वाई और तीजे का नॉर्म ऑफ वाई दिस वैल्यूज। तो आ एक टर्म क्योंकि नॉन जीरो आपां लिया ग्रेटर दैन जीरो आ एक टर्म इस एक टर्म नाल कैंसल हो जाएगी। जे कैंसल हो गई तो साढ़े को आ गया दो पॉसिबिलिटीज है ना या तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਆ ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਗੈਟ ਦਿਸ ਨੋਰਮ ਆਫ ਟੀ ਸਟਾਰ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੋਰਮ ਆਫ ਟੀ ਇੰਟੂ ਨੋਰਮ ਆਫ ਵਾਈ। ਸੋ ਆਈ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ किसी इक्वेशन का नाम दे देवांगे ठीक है जी क्योंकि यह जीरो नहीं हो सकता। जे जीरो है तो साढ़े को ए नहीं पॉसिबल तो इनो सी इट इज वैन इट इज ग्रेटर दैन जीरो। तो साढ़े को इस फॉर्म च आ गया और सानू पता टी बाउंडेड हुंदा ही हुंदा है। जे टी बाउंडेड है तो नॉर्म ऑफ टी सो सिंस दिस टी इज बाउंडेड ये तो सानू दिता है। जे बाउंडेड है देन इट इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी लैस दैन इक्वल टू सम कॉन्सटेंट उस कॉन्सटेंट का नाम असी रख लिए एम। सो वट इज एम? एम इज सम पॉजिटिव कॉन्सटेंट। अगर पॉजिटिव कॉन्सटेंट आ गया नॉर्म ऑफ टी सो वट इट मीन्स दिस वैल्यू इज नॉर्म ऑफ टी स्टार वाई
लेस देन इक्वल टू एम नॉर्म ऑफ वाई फॉर एवरी एम ग्रेट साढ़े को वाई बिलोंग्स टू एच. सो वट इट मीन्स, इट मीन टी स्टार इज ए बाउंडेड. तो टी स्टार बाउंडेड भी हो गया, टी स्टार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई और बाउंडेड भी हो गया. ठीक है जी, तो ए दोनों प्रॉपर्टीज नो सेटिस्फाई कर गया. हुन आपा प्रूव करना थर्ड यूनिकनेस. मान लो एक दी बजाय दो टी स्टार है, यूनिक कितना प्रूव करांगे कि अगर दोनों बराबर हो जाए. सो सपोज कर लो, सपोज इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी स्टार वाई, एक टी स्टार आ गया और दूजा असी ले लवांगे एक्स कॉमा टी डैश वाई, दूसरा ले लिया. अगर दोनों टी स्टार नू ते टी डैश नू असी बराबर कर दिए देन इट प्रूव द यूनिकनेस. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, वी गेट एक्स कॉमा टी स्टार वाई विच इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी डैश वाई, दिस वैल्यूज आ गई. इनू सिंपल इनर प्रोडक्ट दी प्रॉपर्टी सिर्फ यूज करनी. सो पहला ता दूजे पासे शिफ्ट कर दिए, टी स्टार वाई माइनस एक्स कॉमा टी डैश वाई इक्वल टू जीरो, शिफ्ट करते. सो इट इंप्लाइज एक्स कॉमा टी स्टार माइनस टी डैश इंटू वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच. सो एच दे हरेक एलिमेंट ली ये प्रॉपर्टी जीरो है. ठीक है जी, सो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच. और सानू पता जे हरेक लई एलिमेंट लई इनर प्रोडक्ट जीरो है तो दिस एलिमेंट विल बी जीरो. ठीक है जी, सो इट इंप्लाइज टी स्टार माइनस टी डैश वाई इक्वल टू जीरो फॉर एवरी y belongs to h. So it implies t star is equal to t dash. So which prove the uniqueness. So what we get, so we get jada sade kol adjoint operator hai t star, ek ta hai bounded ho gaya, theek, aur dooja ho gaya linear ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. तो इहदा मतलब यह ऑपरेटर बन गया. जे ऑपरेटर बन गया तीजा यूनिक भी है तो टी स्टार किन बिलोंग कर जाएगा, बाउंडेड ऑपरेटर ऑन ए एच स्टार. सो विच प्रूव अवर रिजल्ट. सो इहदे नाल साडी थ्योरम जिहड़ी आ ओह प्रूव हो गई. सो याद की रखना कि अगर टी स्टार टी का एडजॉइंट आ तो केड़ी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगा, टी एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी स्टार वाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू एच. और जेड़ा टी स्टार है इट इज ए यूनिक बाउंडेड ऑपरेटर. सो इहदे विच असी हिलबर्ट स्पेस दे उत्ते यूनिक बाउंडेड ऑपरेटर जेड़ा वो फाइंड आउट कीता.